आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, वो है कम्युनिकेशन स्किल। सब मानते हैं इस बात को? यस और नो? ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आज नहीं तो कल आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे आपको नौकरी चाहिए चाहे छोकरी चाहिए। दोनों ही कैसे भैया, बहुत काम आएगा। अब कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अलर्ट हो गए, यहाँ में थोड़े लौंडे लपाड़े नजर आ रहे हैं ना, उन्होंने कहा हाँ ये काम की बात आई है, नौकरी तो मेरे पिताजी लगवा देंगे, छोकरी कहाँ से लगवाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आने वाली है, कुछ भी करोगे तो वो चाहिए ही चाहिए, उसको इम्प्रूव करना ही होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, ऐसी कि जो भी आपसे मिले आपसे बात करे वो आपका हो जाए या आपकी हो जाए, ऐसा कैसे होगा? सर पहले तो लूपहोल्स पता करना पड़ेगा आपने। क्या पता करना पड़ेगा? लूपहोल्स पता पड़ने, कहाँ पर कमजोरी है कि हमारी क्या वीकनेस है वो हमको पता। राइट, वेरी नाइस। और बताइए सर, हमें इंडिविजुअल से मिलने पे हमें कुछ और प्रोग्रेस करनी चाहिए कि हम और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसके सामने। बट एक्सप्रेस करते कैसे? पहले उस इंसान को जानना चाहिए जो हमारे सामने है, मतलब जानना चाहिए इन द सेंस कि जैसे वो सामने आता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका उसका मोटिव क्या है हमसे बात करने के लिए। राइट, उसका मोटिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, और सामने वाले को हमको समझना पड़ेगा। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। वेरी वेरी गुड। मतलब कि हमको सामने वाले को समझना होगा। द बिगेस्ट क्वालिटी फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मेरे को एक वर्ड में सम अप करना हो, एक है टेक्निक्स। आप इंटरनेट पे जाओगे या इधर उधर बुक्स पढ़ोगे, आपको टेक्निक्स मिलेंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ना ऐसे इंप्रूव कर लो, बट रियल लाइफ से आप देखोगे उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, तो आप चाहे कितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर हो, फेल हो जाओगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि कोई सेल्समैन है, उसकी बात करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, हाँ, और बहुत कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, लेकिन आप मांग कुछ और रहे हो, आपको दिखा कुछ और रहा है। होते हैं ऐसे, हाँ, आप एक स्टोर में गए, आप जा करके उसको समझा रहे हो, भैया देखो मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, हाँ जी मैडम जी अभी लाया, और लाया अंदर से 5 मिनट लगा करके, मतलब आपका 5 मिनट खराब करे, होता है ऐसा, और अंदर से 4 चीजें निकालो, बहुत बढ़िया जी मैडम जी, देखो 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 बहुत बढ़िया, बहुत आपको भाई क्या दिखा रहा है, मैंने तेरे से कुर्ता मंगा है पजामा लेकर के आ गया, घर क्या रहा है, होता है कि दो लोग हैं, अब ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग सब रिलेट करोगे, घर में माँ बाप की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, तुम समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूं, आपको समझ आ रहा है मैं बोल क्या रही हूं, मैं बोल कुछ रही हूं आप कुछ और बोल रहे हो, किसी और बात पे लड़ रहे हो, पहले समझो तो सही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो हम समझते नहीं है, बस अपना 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 चलते रहते हैं। समझ आ रहा है? डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो इन सब चीजों को? तो यहां पर कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या हो रहा होगा? आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, यही होता है। जो भी बंदे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, समझ जाओ कि कम्युनिकेशन स्किल जीरो है। जो जितना ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं लोगों के साथ में, जितनी ज्यादा बहस करते हैं, समझ जाओ बिल्कुल घटिया कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी। क्योंकि जिसकी तगड़ी होगी ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कभी किसी से आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, उस डिस्कशन का जो ट्रैक है उसको चेंज कर देगा, सामने वाले बंदे से एग्री कर जाएगा। द मोमेंट यू एग्री, सामने वाले से एग्री कर गए, आर्ग्यूमेंट खत्म। देख रहे हो, ये छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं कि आपकी एक शॉप है या आप कहीं पे जॉब करते हो, कोई क्लाइंट आपके पास में आया, उसने आ करके आपके प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये उसे आर्ग्यूमेंट करो, वो आर्ग्यूमेंट कभी जीत पाओगे नहीं। वो अपने पॉइंट को प्रूव करेगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करोगे। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है? जीरो है, बिल्कुल रद्दी है। क्योंकि आप यहां से बड़बड़ कर रहे हो, वो वहां से बड़बड़ कर रहा है, एंड में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कहती है? जैसे कोई आया, उसने आकर के आपको कुछ भी बोला उल्टा सीधा, मान लो आपको पता है आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एग्रीड, हाँ जो आप कह रहे हो सही है, अब कैसे आर्ग्यू करेगा वो बंदा? सोचो, समझ रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड।
आई एग्री, लेकिन एक ट्रैक चेंज किया आपने, लेकिन मैं एक बार समझना चाहूंगा आप कह क्या रहे हो और किस बेस पे कह रहे हो, उससे पूछना शुरू किया। अब क्या हो रहा है यहां पे, आर्ग्यूमेंट हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है? अगर ये आप समझ पाओ तो कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, तो कम्युनिकेशन का स्कोप है, नहीं तो कम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं। अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जी, जवाब दो। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करना क्या होता है? कभी सोचते हैं हम डीपली सोचो, एकदम से बोलो मत, यही हमारी प्रॉब्लम है। हम बोलते बहुत जल्दी जल्दी है, चीजों को समझते नहीं है डीपली। कभी हमने समझने की कोशिश करी व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या इतना ही काफी है? इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे? इसको लिसनिंग कहेंगे? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिसनिंग कहेंगे? क्योंकि आप मुझे देख तो रहे हो, मुझे सुन तो रहे हो, लेकिन अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हो, क्या उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे? एक अच्छी ऑब्जर्वेशन कहेंगे? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपके माइंड की बात कर रहा हूं, अपने नहीं कर रहा। कि मेरे सेशन देख रहे होते हो, उसमें मैं कुछ बोल रहा होता हूं और अपने मनी मन क्या सोच रहे होते हैं, हाँ ये जो बंदा बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है मेरे माँ बाप कैसे हैं। आता है माइंड में? हाँ, इनको नहीं पता मेरी इस लाइफ की सिचुएशन क्या है, ये बात ठीक है लेकिन मेरी लाइफ से कनेक्टेड ही नहीं है। तो क्या हुआ, टॉपिक क्लोज? फिर मेरे सेशन को देखने का फायदा क्या हुआ? समझो, बारीकी से समझो। ऑब्जर्वेशन मीन्स, अब इसको ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन मीन्स being unbiased, जैसे एक साइंटिस्ट होता है। एक साइंटिस्ट को समझना है किसी चीज को, मान लो स्किन को समझना है कि स्किन क्या है, तो ऑब्जर्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, वो कैसे देखेगा स्किन काली है गोरी है, स्किन अच्छी है बुरी है, ये स्किन इंडियन की है, ये स्किन फिरंगी की है, वॉट एवर इट इज, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्किन। इसका टेक्सचर ऐसा है, इसका टेक्सचर वैसा है, ये नहीं, सिर्फ देखना। आपको ये तक समझना होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बोल तो रहा है बट एक्चुअल में वो क्या चाहता है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, सामने वाले ने बोला 100 रुपए का है, आप क्या कहोगे, भैया 50 का देना है दे दे, जबकि आप मनी मन क्या सोच रहे हो, 100 में भी बुरा नहीं है, मुझे तो पसंद आ गया है, लेकिन आप क्या कह रहे हो 50 रुपए। तो अब अगर वो शॉपकीपर नहीं समझ पाया इस खेल को तो शायद वो 50 में दे देगा आपको या 60 में दे देगा, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देगा, उसका नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको शॉप के लिए रेंट तो निकालना ही है ना, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है, कोई गुरुद्वारा तो है नहीं कि आपको खिलाता रहे वहां पे बिठा करके, तो उसको कुछ और चाहिए। यानी कि आप अगर वो शॉपकीपर हो, आपको कुछ और चाहिए, आपको 100 रुपए चाहिए, सामने वाला आपको 50 रुपए दे रहा है, आपकी कॉस्ट 60 रुपए, अब क्या करोगे? वो किया जो सामने वाला चाहता है तो आप मारे गए, वो किया जो मैं चाहता हूं तभी बीच का रास्ता नहीं निकला। तो उसको जोड़ना पड़ेगा, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक मैं अगर बारीकी से पॉइंट्स कुछ टच करूं ना, तो वो ये है कि आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे सामने वाले से। जैसे ही सामने वाला कोई बोलता है, कुछ भी बात कर रहा होता है, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो रही है, रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, पेरेंट्स के साथ हो रही है, ऑफिस में कलीग्स के बीच में हो रही है, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के साथ में हो रही है, तो आपको बार बार क्वेश्चंस पूछने हैं। पहले आपको समझना है, तभी तो समझ आएगा। हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर लेते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ हमको समझ आ गया है। इतनी जल्दी नहीं समझ आता है, समझना पड़ता है। सामने वाले ने कोई बात बोली तो उससे पूछना है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब, और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में, अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल रख करके। नहीं तो क्वेश्चनिंग भी इंटिमिडेटिंग हो सकती है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कौन मेरे को तंग कर रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको मिलते हैं और आकर के एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं, है ना, स्पेशली जो थोड़े बड़े बूढ़े रिलेटिव्स होते हैं, एक के बाद एक, अच्छा ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, नहीं समझ उसको कुछ नहीं आ रहा है, उनको बोलो जो पहले का मैंने जवाब दिया था समझ आया, नहीं नहीं वो छोड़ो ये दूसरा, मेरे रटे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और जिससे मिलेंगे सबसे एक जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसका मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने का मतलब क्या है, कि आपने क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट के साथ।
जेन्युइनली अगर आप उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपकी इंटेंशन है कि मुझे जेन्युइनली इससे जाकर के बात करनी है, समझना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? लगाओ दिमाग। कभी नोट किया है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो सामने से कुछ बोल रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है, है ना? मतलब वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कि वो बीच का रास्ता निकालना ही नहीं चाहता है। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा? सामने वाला बंदा और खुंदक में आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, आपको कोई कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तब भी आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे इस तरह के फीडबैक ज्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे करके आप बोल सकते हैं सामने वाले को, जहां से कोई मेरे को नेगेटिव मेरा कुछ बताए, क्योंकि वहीं से तो मैं इंप्रूव कर सकता हूं अपने आप को। छोटी छोटी चीजें हैं कि जब सामने वाले ने कुछ बोला, एक और गड़बड़ क्या होती है, हम इमीडिएटली बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जबकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि सामने वाले ने कुछ बोला, आपने पॉज दिया, समझा, रिपीट किया। जैसे आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास में कोई आया है कुछ लेने के लिए, तो उसने पहले आपको समझाया, पहले आपने अच्छे से समझा, फिर रिपीट किया कि अच्छा आप यही कह रहे हैं ना, समअप कर दिया कि उन्होंने तीन चार चीजें बताई, क्या यही तीन चार चीजें हैं जो आप कह रहे हो? अच्छा ये है, ये है, ये है, ठीक है, मैं अभी लेकर के आता हूं। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, नहीं तो आप सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हो। इस दुनिया में हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। बीच में आपको पॉज देना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज से क्या लगता है सामने वाले को, किस बंदे को समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला, तो पहले आपने पॉज दिया, फिर समझा कि हाँ बाबा आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं एक मिनट समझ नहीं पा रहा, एक मिनट आप मेरे को ढंग से समझाओगे विद इंटरेस्ट, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अपने फादर के साथ में। या उधर से उन्होंने कुछ बोला और इधर से आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, नहीं बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं। हो गई बात? किस इंसान को ये बात आप बोल रहे हो? जिस इंसान के हाथ में आपका अल्टीमेटली पूरा का पूरा फ्यूचर है। उन्होंने अगर आपको पैसा नहीं दिया वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, तो करोगे कैसे? कोई बाहर का बंदा आकर के आपको देगा? भीख मांगोगे? क्या करोगे? अपने आपको अलग मत समझो उनसे, वो आपके लिए चाहते कुछ अच्छा ही है, बट हमें ये लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन होने लग जाएगी, जैसे जैसे बातचीत होने लग जाएगी बैठ करके अच्छे से, तो फिर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो उनसे, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनसे अच्छा और कौन सोच सकता है आपके बारे में, ये सोचने वाला पॉइंट है। हम क्या सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, हो सकता है जेन्युइनली जो आप सोच रहे हो अपने लिए वो बिल्कुल ही गलत हो, और वो आपको सही सलाह दे रहे हो लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। आप अपनी पूरी लाइफ को खराब करने वाले हो किस बेस पे, क्योंकि मेरा वो दोस्त कह रहा है और मेरे दो तीन दोस्तों ने वो किया है तो मुझे वो सही लग रहा है। क्या पता वो दोस्त गड्ढे में जा रहे हो, या आपको सही लग रहा है बेस्ड अपॉन सम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो आपने इधर उधर से गैदर करी है, बट उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस कह रहा है, उनकी गट फील कर रही है कि ये सही नहीं है। तो अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप किसी भी लेवल पे बैठ करके उनसे कुछ भी बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एसेंस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स माइंडसेट, सामने वाले का जो माइंडसेट है। अगर आपसे कोई बात करता है, बात करना शुरू करता है और हंस करके बात करता है तो आपको अच्छा लगता है, या खुंदक में बात करता है तो अच्छा लगता है? हंस करके। तो इसका मतलब क्या है, देखो कितने बेसिक्स हैं ये चीजें, कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन शुरू करनी है, आप किसी नए ऑफिस में गए हो जॉब करने के लिए, या किसी कॉलेज में गए हो, नए आप कहीं पर गए हो, वहां पर किसी को दोस्त बनाना है, तो आपको क्या करना है? गंदी सी शक्ल बना करके वहां पर रखनी है या फेस के ऊपर एक स्माइल रखनी है? अच्छा, अब स्माइल में भी क्या एक होते हैं जो गधों की तरह हंसते रहते हैं बिना बात के, ऐसे बंदे आपको अच्छे लगते हैं? या फिर आपको पहले देखे, ठीक है, कुछ सेकंड्स का पॉज ले और फिर एक स्माइल पास करें। फर्क समझ आ रहा है? दैट मींस आपको देखे, अब ये लड़कियों के साथ में नहीं करना, नहीं तो बड़े जूते पड़ेंगे, क्योंकि ये भी सोचना है कि कहां करना है कहां नहीं करना है, कि सामने वाला बंदा चाहता भी है कि आप ऐसा करो या ना करो। जहां वो चाहता है कि ना करो, किसी बस स्टैंड पे आप खड़े हो वहां पे लड़की को देख रहे हो, बहुत पिटाई हो जाएगी। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। बट एक ऑफिस में आप गए हो, एक कॉलेज में आप गए हो, जहां पे आपकी क्लास में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, आप भी चाहते हो उनसे बात करना, तो वहां पे इस तरीके से आप बात कर सकते हो। समझ आ रहा है? इसकी डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करो जो बात मैं बोल रहा हूं, कि आप कहीं गए, किसी नए इंसान से आप मिले, तो आप कैसे कर रहे हो? पहले उसको देख रहे हो,
या हाय, उसके बाद में हल्की सी स्माइल पास कर रहे हो कुछ पॉज दे करके, ऐसे नहीं हाय पागल है पागल, वो पूरे साल आपके आसपास नहीं बैठेगा, ठीक है, ये तो पागल आ गया कोई। और उसको भी आर्टिफिशियली नहीं करना है कि ऐसे देखा सीरियस हो गया हाय, ये हरकतें नहीं कर रही है, मतलब यू नीड टू फील इट फ्रॉम इनसाइड। मतलब किसी को देखा हाय हाउ आर यू ऑल गुड, तो जैसे ही आपने हल्की सी एक स्माइल पास करी तो आपके बीच का जो गैप है वो मान लो पहले 100 था तो वो सीधा 10 पे आ गया, गैप कवर हो गया। दैट मीन्स यू आर शोइंग कि मेरे को आपको देख करके खुशी हुई, ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही खुश था या फिर कि मुझे आपको देख करके भी खुशी नहीं हुई, आप इतने गए गुजरे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स पकड़ में आ रही है ना, तो ऐसे समझना होता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके अलावा आपको क्या चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो पहले आपकी बात को समझे, आपको सुने, फिर कुछ बोले। और आपको क्या अच्छा लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो जो आप बोल रहे हो उसमें इंटरेस्ट शो करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप एक्साइटेड होकर के आके बता रहे हो कि कल मैं वहां पर ना उस कॉन्सर्ट में गई थी, ठीक है कॉन्सर्ट उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सामने वाले ने आकर के आपको बताया कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी, अच्छा कौन सा कॉन्सर्ट था, कहां पर था यार, मेरे को तो पता ही नहीं था इसके, समझ गए। दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हमको मतलब समझ आता है कि सामने वाले ने आकर के बोला कि भाई कल मैं ना उस कॉन्सर्ट में गई थी, अच्छा ये हूं करना बंद कर दो, ये हूं की बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर, नोट किया है कभी कॉन्वर्सेशन को खत्म करना हो ना हूं करना शुरू कर दो। ये कहां पे काम आएगा, कोई ऐसा बंदा हो आपकी कॉलोनी में या आपके सर्कल में, होते नहीं बड़े चेप टाइप के लोग है ना, चिपकू, कि मतलब वो आकर के आपको बस तंगी करेंगे, तो वहां पर क्या करना है मोबाइल दे दो, वो एक्साइटमेंट लेकिन जहां पर आप चाहते हो कि आपकी एक रिलेशनशिप बने वहां पर एक गड़बड़ नहीं करनी है। सामने वाला बंदा अगर एक्साइटमेंट से बोल रहा है तो उसके मूड को आपको मैच करना है, वो दुखी है तो उसके मूड को मैच करना है। अगर सामने वाला बंदा दुखी है और आप एक्साइटमेंट में कुछ उसको बात कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। सामने वाला बंदा एक्साइटेड है और आपने क्या किया, आप नहीं भी हो एक्साइटेड लेकिन आपने अपना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया उसके लिए, उसने कहा कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी, अच्छा कौन सा कॉन्सर्ट यार, मेरे को पता ही नहीं था, इतना सा आपने बोला, उसने बताया वहां पे ना ये लोग आए हुए थे, वहां पे ना आतिफ असलम आया हुआ था, आतिफ असलम चाहे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आतिफ असलम हाँ, और तुझे पता नहीं उसने कैसा गाया था, क्या किया था यार, ये ऑसम ऑसम कैसे, मतलब क्या क्या हुआ था समझ गए, तो ऑसम से वो कहीं और निकल जाएगी, इसको क्लूज बोलते हैं, क्या बिल्ड करते जा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन को, इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना। एंड में 15-20 मिनट तक ये डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में सामने वाला बंदा कहेगा यार बड़ा मजा आया आपसे बात करके क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं हाँ। अब वो अगर आपकी बॉस है, मान लो आप एक कंपनी में हो और आपकी बॉस है, उसने आकर के ऐसा आपको कहा और उसको मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, तो आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, समझ गए ना, ये लाइफ है, ऐसे हमको समझना होता है कि कोई क्लाइंट आया तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या बोलना है, ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बनाने के लिए। सबको क्या चाहिए आपसे अल्टीमेटली, अच्छी फीलिंग्स चाहिए, आपसे मिले तो उनको कुछ भी करके अच्छी फीलिंग हुई तो वो आपके साथ में जुड़ गए। अगर इस तरीके से आप कर पाओ तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो, और अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो तो आप किसी को भी, राह चलते बंदे को भी अपना बना सकते हो, बंदी को भी अपना बना सकते।